दोस्तों आज हम आपको बताएंगे आचार्य चाणक्य जी ने तीन ऐसे नाम वाली महिलाओं के बारे में बताया है कि ये महिलाएं अपने जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होती हैं। जी हाँ दोस्तों, कौन सी महिलाएं हैं हम आपको बताएंगे, लेकिन आप हमारी पोस्ट को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों आचार्य चाणक्य कहते हैं पी नाम वाली महिलाएं। जी हाँ दोस्तों, जिन महिलाओं का नाम अंग्रेजी के पी नाम के अक्षर से शुरू होता है वो महिलाएं बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अच्छे स्वभाव की होती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये महिलाएं बहुत ही जिम्मेदार होती हैं और अपना हर काम पूरी जिम्मेदारी से निभाती हैं। दोस्तों इन महिलाओं में बहुत ही अच्छी कला होती है और ये अपने परिवार को संभालने के लायक होती हैं, इसीलिए ये महिलाएँ अपने काम के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक होती हैं और इन महिलाओं के अंदर कभी काम करने की जागृति कम नहीं होती। इन महिलाओं के अंदर काम करने की इच्छा जीवन भर रहती है। इसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ये नाम वाली महिलाएं, जी हाँ दोस्त, ये नाम वाली महिलाएं प्यार की अत्यधिक चाहत रखती हैं। जी हाँ दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि ये नाम वाली महिलाओं में एक ऐसी खूबी होती है कि अपने पति अपने परिवार की किसी भी सदस्य अपने बॉयफ्रेंड को बहुत प्यार करती है। इन महिलाओं के जीवन में कभी भी प्यार करने की ललसा कम नहीं होती है। आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जीवन भर इन महिलाओं के अंदर प्यार की ललसा बनी रहती है और ये अपने परिवार के लोगों के लिए जान से भी ज्यादा चाहती हैं। इसीलिए दोस्तों अगर आपके घर में इस नाम की महिलाएं हैं तो आपको बहुत ज्यादा प्यार करती होंगी। दोस्तों उसके बाद आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिन महिलाओं का नाम एस अक्षर से शुरू होता है वो महिलाएं बहुत ज्यादा भाग्यशाली होती है। दोस्तों एस नाम वाली महिलाएं अपने काम के प्रति निष्ठावान होती हैं और ये महिलाएं अपनी तारीफ सुनना पसंद करती हैं। इन महिलाओं को अपनी तारीफ सुनना बहुत ही पसंद होता है। तो दोस्तों आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि एस नाम वाली महिलाओं की लालसा बहुत बड़ी होती है और ये अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद करती हैं और इनकी ये लालसा जीवन भर हमेशा प्राप्त नहीं होती। तो दोस्तों ये थी तीन नाम वाली महिलाएं जिनकी ललसा पूरे जीवन भर समाप्त नहीं होती। अगर इस तीन नाम वाली महिलाओं में से कोई भी महिला आपके घर में है तो आपको बहुत प्यार मिलता होगा। अगर इन महिलाओं में से आपके घर में कोई महिला है तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।